How to share files and videos using Zapier. Yes, आज की वीडियो में मैं इसी प्रोसेस को किस तरीके से कंप्लीट करना है वो बताऊंगा। यहाँ पे जिस तरीके से आप शेयर इट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए मोबाइल टू मोबाइल, उसी तरीके से ये भी एक शेयर इट का अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं फाइल्स वीडियोस फ़ोटोज़ एप्लीकेशन को मोबाइल टू मोबाइल में ट्रांसफ़र करने के लिए। और एक बात मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये शेयर इट से थोड़ा बेटर है बिकॉज़ इसका यूज़र इंटरफेस ये थोड़ा इजी है, शेयर इट से बेटर है। तो यहाँ पे आपको ये जो लेफ़्ट वाला मोबाइल है, लेफ़्ट वाले मोबाइल टू मैं राइट वाले मोबाइल में फाइल्स को ट्रांसफ़र करूँगा, शेयर करूँगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट वाले मोबाइल में मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा और राइट वाले मोबाइल में यहाँ पे मैं रिसीव ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं रिसीव ऑप्शन पे क्लिक करूँगा देन इसके बाद यहाँ पे ये कनेक्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ से शेयर करेंगे मोबाइल टू अनदर मोबाइल तो यहाँ पे आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट एंड वन टाइम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना, यानी कि को फाइल्स को सिलेक्ट करना है। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं दो एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूँगा शेयर करने के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे डाउन साइड में सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देन इसके बाद यहाँ पे आपको डाउन साइड में QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से राइट वाले मोबाइल को स्कैन करना है। देन जैसे ये स्कैन होगा देन इसके बाद मोबाइल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे इजीली अपना फाइल्स वीडियोस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं मोबाइल टू मोबाइल में, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन शेयर हो चुका। अभी यहाँ पे मैं सेंड करूँगा कुछ और ऑप्शंस को। तो यहाँ पे अगर आपको फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को शेयर करना है तो यहाँ पे टॉप साइड में ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में जाऊँगा और फ़ोटोज़ को यहाँ पे मोबाइल टू मोबाइल शेयर करूँगा। सो लेट्स एग्जांपल यहाँ पे मैं दो तीन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ शेयर करने के लिए। तो लेट्स आई सिलेक्ट दिस एंड दिस वन। अब इस दोनों फ़ोटो को मैं शेयर करूँगा तो फिर से मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा और जैसे सेंड बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे ये शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे QR कोड को स्कैन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे मैं शेयर करूँगा वीडियो को, फिर से मैं जाऊँगा वीडियो के सेक्शन में और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा दो तीन वीडियोज़ को। दैट्स इट। और यू कैन फिर इसके बाद इसे सेंड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो वीडियो है वो भी शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो इसी तरीके से आप फोटोज़ वीडियोस एंड एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं मोबाइल टू मोबाइल इस Zapier एप्लीकेशन का यूज़ करके। और दिस इज़ द वे टू यूज़ Zapier एप्लीकेशन टू शेयर एंड ट्रांसफ़र फाइल्स इन 2020 मोबाइल टू मोबाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।